सहस्र नाम का पाठ, किसी न किसी सहस्र नाम का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि सहस्र नाम का पाठ करने से भक्ति महारानी का श्रृंगार होता है, उनके श्रृंग में आभूषण धारण होते हैं। मान लो कोई ये कहे कि हम तो संस्कृत पढ़े ही नहीं, हम सहस्र नाम पढ़ना नहीं जानते, क्या करें? तो बोले कोई बात नहीं, आप पूरा विष्णु सहस्र नाम नहीं पढ़ सकते, चार अक्षर का नाम अधिक संख्या में ले लो, हजार बार उसी को ले लो तो सहस्र नाम हो जाएगा। नारायण 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 जपो, कीर्तन करो। अब कोई आलसी है, वो बोला महाराज ये तो बहुत लंबा नाम है नारायण, इतना लंबा कैसे लेंगे, और थोड़ा छोटा बताओ। बोले गोविंद नाम ले लो, ये तीन अक्षर का है, और कम हो गया, तीन अक्षर का नाम है, बड़ा महत्तम है महाराज जी। पद्म पुराण में लिखा है गोकोटि दानं ग्रहणेषु काशी, ग्रहण के समय चंद्र ग्रहण के समय काशी में वेदज्ञ ब्राह्मणों को 1 करोड़ गायों का दान किया जाए, यज्ञायुतम 10,000 यज्ञ किए जाए, सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण का दान किया जाए, और 1 बार गोविंद नाम का उच्चारण किया जाए तो गोविंद नामना न भवेच्च तुल्यम, गोविंद नाम की समता नहीं कर सकता। पांडव गीता में लिखा है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णामाम दूरवासिनम ऋण मे तत्प्रवृद्धम मे हृदयान्नाप सरपति। भगवान कहते द्रौपदी ने गोविंद कहकर पुकारा, गोविंद कहकर इसलिए पुकारा कि द्रौपदी द्रौपदी नहीं आज गाय है, द्रौपदी आपकी प्यारी गैया है, और ये दुशासन दुर्योधन आदि कसाई हैं, इन कसाइयों के बीच में गाय पड़ गई है, आप कृपा करके गोविंद गाय की रक्षा कीजिए, इसलिए गोविंद कहकर पुकारा। ठाकुर जी ने कहा आर्त भाव से द्रौपदी ने गोविंद कहकर पुकारा, उसका कर्ज इतना हमारी छाती पर चढ़ गया कि इन दुष्टों का संहार हो गया, पांडवों की विजय हो गई, लेकिन कर्ज अभी उतरा नहीं है, कर्ज यथावत चढ़ा हुआ है, इतना ठाकुर जी को प्रिय है गोविंद नाम। अब कोई कहे महाराज इसमें संयुक्ताक्षर है और लृतुलसा नाम दंता और दांत ही न हो तो बूढ़ा आदमी जिसके सब दांत गिर गए हो वो जल्दी जल्दी गोविंद 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 थक जाएगा। बोले चलो कोई बात नहीं, आप संयुक्ताक्षर वाला तीन अक्षर वाला गोविंद नहीं बोल सकते हो तो चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, राम 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 सब जप सकते हैं, राम राम जपिए, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बराने, सहस नाम सम सोनी शिव बानी, सहस नाम जप जेई पिय संग भवानी, जप जेई पिय संग भवानी। तो आभरण नाम हरि, हो सके तो विविध नाम ठाकुर जी के लो, सहस्र नाम का पाठ करो, ये न हो सके तो एक ही नाम को 1,000 बार ले लो, और नामों में भी आपकी स्वतंत्रता, चाहे नारायण नाम लो, कृष्ण नाम लो, गोविंद नाम लो, राम नाम लो, कोई नाम कम से कम 1,000 बार आवृत्ति कर लो, यदि पढ़े लिखे नहीं हो तो भी आपकी भक्ति महारानी सुसज्जिता हो जाएंगी, श्रृंगारित हो जाएंगी।